कलयुग काली बदली बरस रहे अंधियार संत न होते जगत में तो चल मरता संसार। प्यारी सास संग जी आओ हम सभी गुरु जी के पावन चरणों में जुड़ बैठे हैं। गुरु रविदास जी महाराज जिनको संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला, बड़े बड़े राजे महाराज प्रकांड विद्वान चारों वर्णों के लोग गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में आकर दंडवत हुए हैं। तो आओ हमारा रामानंद जी अक्सर पंक्तियां गाया करते थे, आओ हम सभी आज गुरु जी के पावन चरणों में दूर दूर से संसमाज महापुरुष पे भगवान आप सभी संगत को दर्शन दीदारे दे रहे हैं। संगत से निवेदन है कि आओ थोड़ा समय और बैठने की कृपालता करें। मुसलमान संप्रदाय में 40 दिन के रोजे रखते हैं लोग, गुरु के लिए 40 दिन भूखे रहते हैं। हिंदू मत में देखें 9 दिन के नवरात्रे हैं, लेकिन हमें 9 घंटे भी नहीं हुए होंगे। परमात्मा का नाम है, लेकिन जिन्हें प्यास है, जिन्हें भूख है गुरु जी के दर्शनों की, जिन्हें प्यास है गुरु के नाम की, आओ एकाग्र चित्त होकर बैठे हैं। आओ थोड़ा समय और गुरु चरणों में बैठने की कृपालता करें। मैं ज्यादा विस्तार को लंबा ना जाते हुए कुछ ही पलों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आओ सभी संगत सतगुरु जी के पावन चरणों में अपनी अपनी तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, सब मुक जावन अपराध अमृत वेले अमृत वेले, सब मुक जावन अपराध अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, अमृत वेले अमृत वेले, सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले, गुरुमन वाले राग मुड़ जा गुरुमन चरना विच जुड़ जा, सतगुरु दे 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 चरना विच जुड़ जा, मन लागे कर फरियाद अमृत वेले अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद अमृत वेले अमृत वेले अमृत वेले। क्या तू सोया जाग गया ना तै जीवन जग सच कर जाना, अज्ञानता की निंद्रा में सोए हुए जीव को गुरु जी ने जागने का संदेश दिया है। बंदे जाग
तेरे जीवन का एक एक पल, तेरे जीवन का एक एक श्वास, तेरे जीवन में से कम होता चला जा रहा है। अभी भी परमात्मा का नाम जप, अभी भी परमात्मा के नाम की भक्ति कर। मैं आया हूँ रास्ते से, देखा बहुत सी दुकानें सजी हुई हैं। दुनियावी लोग अपना अपना सामान बेच रहे हैं। महाराज रामानंद जी अक्सर कहा करते थे कि भाई कोई गांव में व्यक्ति चला गया, होका दे रहा है, अच्छे संग करे, बढ़िया संग करे, अच्छे संग करे। भाव अच्छों की संगत करने से आदमी तर जाता है। अच्छे प्राणियों की, अच्छे लोगों की, गुरमुख बंदों की संगत में जाने से हमारा जीवन भी बदलने वाला है। तुम चंदन हम इरंग बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पहे हैं गंध सुगंध। गुरु जी ने कहा परमात्मा जी आपका जो जीवन है चंदन के भांति है, चंदन की तरह है, सुगंधी से भरा पड़ा है। हमारा संसारी जीवन का जो जीवन है वो इरंग के भांति है, लेकिन संग तुम्हारे बासा, आपकी संगत करने से हमारा जीवन बदलने वाला है। आओ आज का ये प्रयोजन, आज का कार्यक्रम महापुरुषों के दर्शन और उनके प्रवचन। कोई दुनिया की कोई चीज लेकर अपने घर को जा रहा है, कोई खिलौने लेकर जा रहा है। अभी अभी शब्द श्रवण किया था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। गुरुजी ने कहा जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। जिनको इस बात का ज्ञान हो गया, कोई बच्चा अपने पिता के साथ मेला देखने के लिए जा रहा है, अपने पिता के साथ बातें कर रहा है, पिताजी मेले में मुझे खिलौने दिलाना, मैं झूले में बैठूंगा, मिठाई खाऊंगा। अपने बाप के साथ प्रॉमिस करता है, वादा करता है। बाप भी कहता भी पक्की बात है, मैं तेरे खिलौने भी दिलाऊंगा, पंगूड़े में झूले भी दिलाऊंगा और मिठाई भी खिलाऊंगा। लेकिन किसी कारण जो बच्चा है अपने बाप से मेले में बिछड़ जाता है। बिछड़ने के वियोग में बच्चा रो रहा है अपने बाप के, जो जो भी उसके वादे थे अपने बाप के साथ, भी मुझे मिठाई लेनी है, झूला झूलना है, खड़ौने लेने हैं, प्रबंधक कमेटी उसको ले भी दे, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं करता, रोता है अपने बाप के बिछड़ने के दुख में। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। यहाँ तो बात ही 5-7 मिनट की है, 10 मिनट की एक घंटे बाद मिल सकता है, लेकिन गुरु जी ने कहा जहाँ तो गिनती मिनट की कोई नहीं है, कितने जन्म हो गए बिछड़े हुए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। गुरु जी ने कहा सच्चे पातशाह जी, अगर मुझे ये जीवन मिला है तो मैं अपना पूरे का पूरा जीवन नहीं आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। तो आओ प्यारी सात संगत जी, उस रैपर के पावन चरणों में हम जुड़ बैठे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज जिनके पावन चरणों में बड़े बड़े महलों वाले नमस्तक हुए, उस समय के भी राजे महाराजे आज के भी उनके पावन चरणों में झुकते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, बाहर का नंद मेरे से पहले बहुत महापुरुषों ने प्रवचन सुनाए, लेकिन गुरु जी ने कहा भाई तन तो तन के तौर पर तो आ गए, शारीरिक तौर पर आना आसान बात है, लेकिन मन को जोड़ना कठिन कार्य है। सबसे तेज स्पीड दुनिया में मन की है, जिसका मन मन बीते सतगुरु के पास, इस सेवक के अरदास। गुरु जी ने कहा फिर गुरु आज बहुत से लोग जो जुड़े हुए नहीं है, बाहर से तो जुड़े हैं, अंदर से कहते हैं महाराज जी आए नहीं। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज लोगों का यही कहना है, लेकिन जिनका ध्यान, जिनका कंसंट्रेट, जिनकी सुरत जुड़ती है, चाहे हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो हर रोज अपने गुरु से मिलते हैं, उनके रोज दर्शन करते हैं, जाकर तो हम करते हैं उनके चरणों में नमन कर ही रहे हैं। सतगुरु जी ने उच्चारण किया कि भाई एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा
आगे हुए। जहां भी गुरुओं को याद करते हैं, जहां भी महाराज जी को, गुरु जी हमारे सभी जगह सहाय होने वाले हैं, उनका आशीर्वाद। कोई दुख में याद कर रहा है, कोई सुख में उनको याद करता है, तो संता के कार्य आप खलुआ हर काम करावन आया राम। गुरु जी ने कहा परमात्मा अपने प्यारों की, अपने भक्तों की सभी कार्य रास कर देता है। आओ महाराज रामानंद जी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है कि भाई संसार का मेला देख रहा है, लेकिन तेरा जीवन छोटा होता जा रहा है दिन पर दिन। बंदे इस बारे भी सोच। तो आओ अगली पंक्तियों में सागर जी ने देखी जाने जगत का मेला, देखी जाने जगत का मेला, देखी जाने जगत का मेला, देखी जाने जगत का मेला। दूर न करी नवेला, कर है 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 दूर न करी नवेला। अमृत वेले, अमृत वेले, तू कर सतगुरु नु याद, अमृत वेले, अमृत वेले, सतगुरु नु याद, अमृत वेले, अमृत वेले। सब मुक्त जावन अपमान, अमृत वेले, अमृत वेले, सब मुक्त जावन अपमान, अमृत वेले, अमृत वेले, तू कर सतगुर पासों हर तन पाके,
सतगुर पासों हर तन पाके, सतगुर पासों हर तन पाके, सतगुर चरनी सुरत टिकाके, सतगुर चरनी सुरत टिकाके, सतगुर चरनी सुरत टिकाके, सतगुर चरनी सुरत टिकाके। गुरु जी ने उच्चारण किया, महाराज रामानंद जी अक्सर पंक्तियां गाया करते सी बड़े भागां वालियां दी सुरती नाम जपण विच लगदी। जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांग रहे काहे जवावे। गुरु जी ने कहा वो मां धन है जिसकी मां की कुख से परमात्मा के नाम जपने वाले महान महात्मा पुरुष का जन्म होता है। जो माँ किसी दानी को या किसी सूरमे को जन्म देती है, आओ तन तन ने उन्हां दीआं मावां जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे। गुरु जी ने कहा वो माँ बाप धन है जिनके बच्चे अच्छे मार्ग पर, जिनके अच्छे कार्य पर लगे हुए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज हमारे रह रहे हैं, आज जहाँ उनको हम नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वहीं उनके माता पिता उनके चरणों में भी नमस्कार करते हैं कि वो धन है जिन्होंने ऐसे महान क्रांतिकारी महापुरुष को जन्म दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा जीवन में प्राप्त तब होगा जब हम ज्ञानवान बनना चाहेंगे। जिन घरों में दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम से होती है, जो लोग गुरु वाले हैं, केवल कहने मात्र नहीं है, भी लोगों को दिखावा है भी गुरु वाले हैं। गुरु जी ने कहा गुरु वाले लोग जीवन में दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, भाई गुरु को लंबा नहीं देते, मेड़ा नहीं मारते। जीवन में सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, तेरा पाना मीठा लगे, गुरु की रजा में रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ हम भी जिन घरों में दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम से होती है, वो गुरु जी ने कहा वो घर बंदर के समान है। उस घर में पॉजिटिविटी है, उस घर में रहने वाले सदस्य लोग खिड़े रहते हैं, उनके जीवन में आनंद है। आओ, मैंने पहले निवेदन किया, दुकानें सजी हुई हैं, कोई कोई सामान लेकर जा रहा है, कोई कोई सामान लेकर घर को जा रहा है, किसी ने खिलौने ले लिए हैं। लेकिन जिस कार्य के लिए आए हैं आज, कोई बिरला जीव है जो गुरु से गुरु को मांगने के लिए है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन उठे सकल पासारे। गुरु जी ने कहा परमात्मा के नाम के बिना दुनिया के जितने भी पसारे हैं भाई झूठे हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, हो बनजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम नाम धन ला दिया भिख ला दी संसार। मैं काफी बार कहता हूँ क्या बात है, क्या आनंद है, घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले संत है सतगुरु रविदास जी महाराज, बड़े बड़े महलों वाले उनके सेवक बन गए हैं। बोले सो निर्भेश रविदास महाराज की जय। महलों वाले लोग उनके चरणों में भिखारी बनकर आ रहे हैं, उनके चरणों में मांगने के लिए आ रहे हैं। महाराज धन दौलत है, मार्बल है, गाड़ी है, सब कुछ है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। गुरु जी ने कहा वो सच्चा सुख, वो परमानंद कहां से मिलने वाला है। सत संतोख हर सदाचार जीवन को आधार, रविदास भए नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। आज का जो हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है, कोई ना कोई चिंता है, घबराहट है, वो मेरे से आगे ना निकल जाए, वो ऐसा ना हो जाए, तो गुरु जी ने कहा कि भाई बेगम पूरा शहर को नाओ दुख दो नहीं तैठाओ। हमारे गुरु जी कहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ उस शहर का नाम
बेगमपुरा है, है कोई बेगमपुरा बढ़ने का चावा। गुरु जी ने कहा वो बातों से नहीं, फिर भाई दौड़ बाग से बार के दिखावे से नहीं, बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। वो बेगमपुरा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर जब आदमी परमात्मा का नाम जपता है, अपने सुरत को अपने ध्यान को अपने अंदर ही टिकाता है, गुरु जी ने कहा वो परम आनंद फिर बाहर से नहीं उसको अपने अंदर से मिलेगा। कस्तूरी मेरे के पास है ढूंढत काश तेरे, गुरु जी ने कहा कस्तूरी मेरे के अंदर है लेकिन पागलों की तरह जंगलों में ढूंढ रहा है, लेकिन इस बात का उसे ज्ञान ही नहीं है कि भाई जिस कस्तूरी को वो पागलों की तरह जंगलों में ढूंढ रहा है, गुरु जी ने कहा वो कस्तूरी उसके अंदर ही छुपी है। बन खोजे पिया ना मिले बन में प्रीतम ना हा, रविदास पिया है बस रहे हो मान वो प्रेमी। गुरु जी ने कहा कोई परमात्मा को मथुरा में ढूंढता था, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिले अपना तो मिले गुरुदास। कोई कहता था परमात्मा भगवान मथुरा में रहता है, किसी ने कहा द्वारका रहता है, किसी ने कहा काशी रहता है, किसी ने कहा हरिद्वार रहता है, लेकिन गुरु जी ने कहा रविदास खोजा दिले अपना तो मिलिया दिल। मैं अपने अंदर ही खोज की है, साहिब जी ने कहा मुझे वो अंदर से ही मिला, जिसको भी मिलेगा जिसे भी मिलेगा बाहर से नहीं, गुरु जी ने कहा अंदर ही है, मन चंगा तो कठौती मिलेगा भाई। तन को सवार अपने मन को भी, अपनी सोच को बदलो, सोच को बदलने के लिए गुरु जी ने कहा भाई अपने जीवन में से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जीवन में से ईर्ष्या को क्रोध को त्यागना होगा। आओ आज यही मार्ग सीखने के लिए गुरु चरणों में आए हैं प्रबंधक कमेटी निशन की, बहुत बड़ा प्रयोजन उन्होंने आज मेहनत की है। थोड़े दिन पहले सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी से अरदास लेकर गए, बेनती लेकर गए, महाराज कृपा करो। तो महाराज जी सरल स्वभाव के हैं, सहज अवस्था में कहा कि हम आपके साथ ही हैं, वही हैं संगत के बीच में। रब तेरे तो बख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। गुरु जी ने कहा इन आंखों से नहीं देखा जाएगा, जो उस रास्ते के मार्ग के पंध हैं, जो उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे हो। गुरु जी ने कहा वो हाथ पांव से भी नजदीक है, पर उसको देखने के लिए सतगुरु पासो हर धन पाके सतगुर करनी सुरत टकाके। आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, गुरु के चरणों से कोई मैल बाड़ियों की, कोई धन दौलत की, कोई किसी चीज की जांचना करता है, साहिब जी ने कहा जिसे गुरु से, जिसने गुरु को ही मांग लिया, परमेश्वर से परमेश्वर को ही मांग लिया, उसे सभी दातें जीवन में मिल जाती हैं। तो आओ गुरु प्यारी सत्संग जी अगली पंक्तियों में महाराज जी सारे सतगुरु पासो हर धन पाके, 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 सतगुरु चरणी सुरत टिकाके, सतगुरु चरणी सुरत टिकाके, सतगुरु चरणी सुरत टिकाके, सतगुरु चरणी सुरत टिकाके। राम सुनिया न हद दानाद अमृत भेले, अमृत भेले तू कर सतगुरु नु याद, अमृत भेले, अमृत भेले तू कर सतगुरु नु याद, अमृत भेले, अमृत भेले तू कर सतगुरु नु याद, अमृत भेले, अमृत भेले तू कर सतगुरु नु याद, अमृत वेले, अमृत वेले सब मुक जावन अपवाद, अमृत वेले, अमृत वेले सब मुक जावन अपवाद, अमृत वेले, अमृत वेले हम पैसन गुरु नु याद, अमृत वेले, अमृत वेले हर सतगुरु नु याद, अमृत
सतगुर नो याद अमृत वेले 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 पतिहा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघे नो फरमान हुआ बरसो कृपा धार आओ गुरु प्यारी सत्संग दी।